ये है पैसे कमाने के महाज्ञान का पार्ट 6। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से अपनी किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको लॉ ऑफ वाइब्रेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस्ड लेवल तक सब कुछ समझाने वाला हूँ कि अपनी इच्छा के साथ वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में कैसे आते हैं, लॉ ऑफ वाइब्रेशन कैसे काम करता है और अपनी इच्छा को अपने दिमाग में विजुलाइज करने से आपकी इच्छा कब और कैसे मैनिफेस्ट होती है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके मन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ वाइब्रेशन से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहेगी। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, अपनी जिंदगी में ढेर सारा पैसा कमाने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि यही वो सिद्धांत है जो आपके पर्सनल प्रॉस्पेरिटी के लेवल यानी व्यक्तिगत समृद्धि के स्तर को नियंत्रित करता है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने से भी पहले हमें लॉ ऑफ वाइब्रेशन को समझना चाहिए। लॉ ऑफ वाइब्रेशन के अनुसार ब्रह्मांड की हर चीज लगातार वाइब्रेट होती रहती है यानी हिलती रहती है और कभी एक जगह नहीं रुकती। रेट ऑफ वाइब्रेशन यानी कंपन के दर को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होती है उसका फोर्स यानी बल उतना ही शक्तिशाली होता है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, हमारे विचारों को हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन यानी कंपन का उच्चतम रूप माना जाता है क्योंकि इसमें प्राकृतिक रूप से बहुत शक्ति होती है, इसीलिए इसे समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। वाइब्रेशन का मतलब है ऑसिलेशन, आगे पीछे होना, हिलना, कांपना, डगमगाना या झूलना। जॉन मिल्टन ने कहा था, हमारा मन अपने आप में और अपनी जगह पर नर्क को स्वर्ग बना सकता है और स्वर्ग को नर्क बना सकता है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, इस दुनिया में लोगों को दो तरह के ग्रुप में बांटा जा सकता है। पहला पॉजिटिव पर्सनालिटी यानी ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी लोग और दूसरा नेगेटिव पर्सनालिटी यानी पैसिमिस्टिक यानी निराशावादी लोग। जो लोग अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स लाते हैं वे लोग अपने जीवन के ब्राइट साइड यानी उज्जवल पक्ष को देखने की प्रवृत्ति रखते हैं। ऐसे लोग अपनी जिंदगी की बुरी परिस्थितियों में भी केवल अच्छाई ढूंढने की कोशिश करते हैं, हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रहते हैं और अपनी तरह के पॉजिटिव पर्सनैलिटी वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लोग अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट्स लाते हैं वे लोग अपने जीवन के डार्क और डिप्रेसिंग साइड यानी अंधकारमय और निराशाजनक पक्ष को देखने की प्रवृत्ति रखते हैं। अपनी जिंदगी की अच्छी परिस्थितियों में भी बुराई ढूंढने की कोशिश करते हैं और केवल बुरी और नकारात्मक चीजों पर ध्यान देते हैं। ऐसे लोग अपनी सिचुएशंस के बारे में बहुत सोचते हैं, अंदाजा लगाते हैं, आशा करते हैं और फिर उन्हें वही मिलता है जिसके बारे में वे सोचते हैं। अपनी जिंदगी में हमेशा नेगेटिव वाइब्रेशंस में होने के कारण वे लोग नेगेटिव पर्सनैलिटी वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, अगर आप ऐसे लोगों से पूछते हैं कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं तब उनका कहना होता है, आज तो मुझे अच्छा लग रहा है लेकिन कल मुझे बुरा लग सकता है। नेगेटिव पर्सनैलिटी वाले लोग अपने आसपास के लोगों को दुखी करके रखते हैं। लॉ ऑफ पोलैरिटी एंड रिलेटिविटी के अनुसार हर एक पॉजिटिव का इक्वल एंड अपोजिट नेगेटिव जरूर होता है, इसीलिए इन दोनों तरह की पर्सनैलिटी का होना जरूरी है ताकि हम चुनाव कर सकें कि अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें किस तरह का व्यक्ति बनना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हमेशा नेगेटिव सोचता है और वो अपनी जिंदगी में बदलाव लाकर पॉजिटिव सोचना चाहता है तो सही जागरूकता और उचित प्रयास की मदद से वो व्यक्ति खुद को पॉजिटिव पर्सनैलिटी में बदल सकता है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, आपको ये समझना होगा कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन आपको वो जागरूकता देता है जिसकी आपको जरूरत है और आप अपनी पर्सनैलिटी में उस तरह का बदलाव ला सकते हैं जो आप चाहते हैं। हमारा दिमाग हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जहाँ पर एक लेवल की फ्रीक्वेंसी दूसरे लेवल की फ्रीक्वेंसी में बदलती है। हमारे दिमाग के अंदर कुछ सेंटर्स होते हैं जो हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स की फंक्शनिंग को कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं, इसीलिए हमारे दिमाग को हमारी वाइब्रेशंस को कंट्रोल करने का इंस्ट्रूमेंट यानी यंत्र माना जाता है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, सन 1940 के शुरुआत से ही EEG
यानी इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ और ECG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की मदद से हमारे दिमाग के इलेक्ट्रिकल बदलावों को मापा जा रहा है। इसीलिए वाइब्रेशंस को समझना हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है और हमें इसके बारे में पहले से जानकारी थी, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम में से ज्यादातर लोग वाइब्रेशंस और हमारी जिंदगी में मिलने वाले रिजल्ट के बीच के कनेक्शन को नहीं समझ पाते हैं। और सबसे दुर्भाग्य की बात तो ये है कि जो लोग बुरी और कंफ्यूज्ड वाइब्रेशंस में होते हैं, वे लोग अपनी जिंदगी में अच्छे रिजल्ट पाने की जबरदस्त कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा नेगेटिव वाइब्रेशंस में होने के कारण उनकी जिंदगी में केवल नेगेटिव लोग और नेगेटिव सिचुएशंस ही आकर्षित होती है। और तब उनकी जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब वे लोग हार मान जाते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी के रिजल्ट्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आपके दिमाग में आने वाले विचार और आपकी जिंदगी में आने वाली चीजें क्यों और कैसे आपकी जिंदगी में आती है, तो आपको लॉ ऑफ वाइब्रेशन के मूल आधार को समझना होगा, जहाँ मैंने आपको पहले बताया था कि हर चीज लगातार वाइब्रेट होती रहती है और कभी एक जगह नहीं रुकती। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, हमारी मुक्त इच्छा और हमारे अद्भुत दिमाग की मानसिक क्षमता के कारण हम अपनी मर्जी से अपनी वाइब्रेशंस को कभी भी बदल सकते हैं। अच्छी चीजों को अपनी जिंदगी में लाने के लिए इस जबरदस्त शक्ति का प्रयोग करने की हमारी क्षमता में कमी के कारण लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बारे में हमारी अज्ञानता के अलावा कुछ भी नहीं है। तो चलिए अंदरूनी समझ की मदद से जानते हैं कि भले ही धीरे धीरे ही सही, लेकिन जो अच्छी चीजें हम अपनी जिंदगी में चाहते हैं उसके साथ जुड़कर हम अपनी जिंदगी की क्वालिटी को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। दो चीजें जिनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक बराबर है, वो दोनों चीजें एक ही फ्रिक्वेंसी पर काम करती है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि उनकी रेजोनेंस यानी प्रतिध्वनि एक है, यानी वो दोनों चीजें हार्मनी में है। जब कोई दो चीजें रेजोनेंस में होती है, यानी जब वो दोनों चीजें एक बराबर गति में वाइब्रेट होती है, तब उनके वाइब्रेटरी रेट यानी कंपन का दर इलेक्ट्रॉन्स की मदद से एक चीज से दूसरी चीज में ट्रांसमिट यानी संचारित होता है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, जिस तरह से ब्रह्मांड की हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, उसी तरह से आप भी ब्रह्मांड के साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरह के विचार आपके दिमाग में आते हैं, आपके दिमाग की कोशिकाएं उसी प्रकार वाइब्रेट होती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे भेजती हैं। तो जितना ज्यादा आप उन विचारों पर ध्यान देते हैं, उन वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड उतना ही ज्यादा होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे उतनी ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं। आपको ये समझना होगा कि आप ही हैं जो अपनी मुक्त इच्छा की मदद से इन इलेक्ट्रिक वेव्स की डेंसिटी यानी घनत्व का निर्माण करके इनकी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। और क्योंकि आपका दिमाग आपकी बॉडी का ही एक हिस्सा है, तो जिस तरह की वाइब्रेशंस में आपका दिमाग होता है, आपकी बॉडी भी उसी तरह की वाइब्रेशंस में रहती है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, जब आप अपने लक्ष्य की इमेज अपने दिमाग में बनाते हैं, तब आप एनर्जी के हर उस पार्टिकल के साथ वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में रहते हैं जो उस इमेज की मैनिफेस्टेशन को रियलिटी में बदलने के लिए जरूरी है। और जब आप उस इमेज को अपने दिमाग में रोक कर रखते हैं, तब एनर्जी का हर एक पार्टिकल आपकी तरफ आकर्षित होता है और आप भी उस पार्टिकल की तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि नियम यही कहता है। जिस तरह से आपको अच्छा लगता है जब कोई आपको अच्छा महसूस कराता है, उसी तरह से सामने वाले को भी अच्छा लगता है जब आप उसे अच्छा महसूस कराते हैं या फिर जब आप उन्हें पॉजिटिव वाइब्रेशंस में लाते हैं। जब आप किसी भी व्यक्ति के वाइब्रेशंस के दायरे में आते हैं, फिर चाहे आपको पता चले या ना चले, लेकिन उस व्यक्ति की वाइब्रेशंस आपकी वाइब्रेशंस को प्रभावित करती है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप प्राकृतिक माहौल में अकेले चल रहे होते हैं, तब आप कितनी शांत वाइब्रेशंस महसूस करते हैं? इसी तरह से लॉ ऑफ वाइब्रेशन काम करता है कि जब आपके दिमाग में कोई विचार आता है, तब कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली आपके दिमाग की कुछ ब्रेन सेल्स में वाइब्रेशंस पैदा होती है। फिर ये वाइब्रेशंस एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी छोड़ती है, जिसे अपना सर्किट कंप्लीट करने के लिए उसी प्रकार की वाइब्रेशंस की व्यक्ति की आवश्यकता होती है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, मान लीजिए
कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा कर रहा है और आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो जब आप उसके गुस्से की वाइब्रेशंस के दायरे में आते हैं तब उसकी वाइब्रेशंस आपके दिमाग की एंगर सेल्स को प्रभावित करती है, आप दोनों के बीच रेजोनेंस पैदा होता है और आप भी उसी वाइब्रेशंस में वाइब्रेट होने लगते हैं, भले ही आपको अपने गुस्से की वजह नहीं पता होती है लेकिन फिर भी आप बहुत गुस्सा करते हैं। जब आप लॉ ऑफ वाइब्रेशन को अच्छे से समझते हैं तब आप खुद को ऐसे नेगेटिव वाइब्रेशन से बचा सकते हैं, आप खुद पर नियंत्रण हासिल करना सीखते हैं और आप उन्हीं चीजों, लोगों और सिचुएशंस को अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं जो आप चाहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि आप अपनी इच्छा को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, अगर ये बात सही है कि एनर्जी को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, तब जो चीज आपको चाहिए वो तो पहले से ही ब्रह्मांड में मौजूद है। जरूरत है तो केवल उन विचारों का चुनाव करने की जो आपको ऐसी पॉजिटिव वाइब्रेशंस में ला सके ताकि आप उस चीज को अपनी जिंदगी में आकर्षित कर सकें। जिस चीज की तलाश आप कर रहे हैं वो चीज भी आपकी तलाश कर रही है और जो चीज आपको चाहिए वो पहले से आपकी है, तो आपको किसी भी चीज को पाने की आवश्यकता नहीं है। जो चीजें पहले से आपके पास है आपको केवल उसके प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। जब आप ऐसा करते हैं तब आपकी जिंदगी की हर एक नेगेटिव चीज को पंख लग जाते हैं और वो चीज आपकी जिंदगी से अपने आप दूर होने लगती है और आप उस चीज को कभी आकर्षित नहीं करते जो चीज आपको नहीं चाहिए। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार अगर किसी चीज में आगे बढ़ने की प्रक्रिया काम नहीं कर रही है, इसका मतलब वो चीज धीरे धीरे करके मरती जा रही है। जिस तरह से अगर आप पानी की दो बूंदें लेते हैं और दोनों को मिलाते हैं तब वो दोनों बूंदें मिलकर पानी की एक बड़ी बूंद बन जाती है, लेकिन अगर आप तेल की कोई बूंद उस पानी की बूंद के पास लाते हैं तब वो दोनों बूंदें एक दूसरे से दूर जाती है क्योंकि उन दोनों की वाइब्रेशंस अलग अलग है। उसी तरह से जब किसी भी बीज को हम जमीन पर लगाते हैं तब जो चीजें उस बीज की ग्रोथ के लिए जरूरी है वो सभी चीजें उसकी ओर आकर्षित होने लगती हैं और एक छोटा सा बीज कुछ समय के बाद एक बड़े पेड़ में बदल जाता है। लेकिन अगर हम उस बीज को जमीन के अंदर ना लगाकर ऐसे ही बाहर रख देते हैं तब कुछ समय के बाद वो बीज मर जाता है और जो भी चीजें उस बीज के मरने के लिए चाहिए वो सभी चीजें उसकी ओर आकर्षित होने लगती हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, उस बीज और हम इंसानों में केवल इतना फर्क है कि वो बीज अपनी वाइब्रेशंस को नहीं बदल सकती, जबकि हम अपने दिमाग में आने वाले विचारों को बदलकर अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग को कभी भी बदल सकते हैं। इसी तरह से हम अपनी इच्छा की इमेज को अपने कॉन्शियस माइंड में बनाकर उस इच्छा को अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम निर्धारित कर सकते हैं कि हम किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं जो हमारी वाइब्रेशंस तय करता है और जो चीजें हमारी ग्रोथ के लिए अच्छी है उन्हें हमारी जिंदगी में आकर्षित करता है और बुरी चीजों को हमारी जिंदगी से दूर करता है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, बदकिस्मती से जिन लोगों के दिमाग की इमेज लगातार बदलती रहती है, एक मिनट के लिए वे लोग अपने दिमाग में समृद्ध विचार लाते हैं और दूसरे ही मिनट वे लोग अपने दिमाग में गरीबी के विचार लाते हैं, उनके दिमाग की वाइब्रेशंस लगातार बदलती रहती है। वे लोग एक मिनट के लिए अच्छी चीजों को अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं और दूसरे ही मिनट बुरी चीजों को अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं। और दुखद सच ये भी है कि ज्यादातर लोगों के दिमाग की वाइब्रेशंस इसी तरह से काम करती है और इसीलिए उनकी पूरी जिंदगी अव्यवस्थित तरीके से चलती है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, ये बात सच है कि आप कभी समृद्धि हासिल नहीं कर सकते अगर आपके दिमाग में सीमित और कमी के विचार आते हैं, और क्योंकि सभी चीजें, लोग और सिचुएशंस लगातार आपकी जिंदगी में आकर्षित हो रहे हैं, तब जो चीजें, लोग और सिचुएशंस आपकी जिंदगी में आते हैं उसमें किसी और की गलती नहीं है बल्कि वो आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि आप अपनी मर्जी से अपने दिमाग की वाइब्रेशंस को बदल सकते हैं और जिस चीज को जाने अनजाने में आपने ब्रह्मांड से मांगा है वो चीज सही समय पर आपकी जिंदगी में जरूर आकर्षित होती है। अगर यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा है तो कमेंट में लिखें
आई ऑलवेज अट्रैक्ट गुड थिंग्स, गुड पीपल एंड गुड सिचुएशंस इनटू माय लाइफ। मैं हमेशा अपने जीवन में अच्छी चीज़ों, अच्छे लोगों और अच्छी सिचुएशंस को आकर्षित करता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।